चाहूंगा उद्यम गर्ग जो है मतलब मेगा कास्ट है, काफी सारे फेमस एक्टर्स इसमें जोड़ रहे हैं, सर प्लीज कैमरा लो। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और कितना उत्साहित है इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? प्रोजेक्ट तो काफी बड़ा है, अब इसको लेके हमारी तैयारी चल रही है, पूरी टीम लगी हुई है जोर शोर से और काफ़ी मजबूत टीम है हमारी जो सपोर्ट करी है हमें, क्योंकि हम तो नए हैं इस फील्ड में, तो इन लोगों ने सारी चीज़ें की तो हमें अच्छी लगी तो हम आगे बढ़े इसमें। सर आपका परिचय जानना चाहूँगा कि आपका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो नाता है या एक तो आपको... इंडस्ट्री से हमारा नाता तो नहीं है, हम बिल्कुल नए हैं, लेकिन हमारे अंकल हैं जो मेरे पार्टनर हैं मोहम्मद सईम खान, तो उनके फादर हैं मोहम्मद शेर खान साहब, तो उनको इंटरेस्ट था, अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा उनका एक ड्रीम था तो वो पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये वेब सीरीज के लिए सोचा कि शादाब खान जी ने बताई है कि एक रियल स्टोरी, तो हमें बहुत पसंद आई तो इस पे हम काम कर रहे हैं। लोकेशन की शूटिंग की बात करें तो खबर मिली है कि जो लोकेशन आप शूट कर रहे हैं बहुत मेगा लोकेशन है, बड़ा लोकेशन है और पहली बार ऐसी शूटिंग हो रही है उस लोकेशन में, उसके बारे में जानकारी चाहूंगा। बिल्कुल, जो लोकेशन होती है जैनवन वो बहुत सारी लोकेशन है जो शायद आपने किसी ने वेब सीरीज में नहीं देखी होंगी, वो हमने लोकेशन चूज की है और इसमें हमें काफ़ी टाइम और मेहनत भी लगी इस लोकेशन को चूज करने में। सर प्लीज़ आपसे चाहूँगा कि आप भी हिस्सा इस वेब सीरीज के क्या किरदार निभा रहे हैं और कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए मेरे लिए ये एब्सोल्युटली न्यू कैरेक्टर है, अभी तक मैंने जो भी कैरेक्टर्स किए हैं अगर आप पान सिंह तोमर देखें या राजनीति देखें या अब तक 56 देखें या आश्रम देखें, बट उसके बाद जो ये कैरेक्टर है ये मेरे लिए डेफिनेटली चैलेंज है और बहुत ही यूएसपी है मतलब इस वेब सीरीज़ का, तो मेरे लिए वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है करने के लिए और चैलेंज भी है, तो आई होप कि मतलब मैं उस चैलेंज को पूरा कर पाऊँ। और बोर्ड पे जैसे आप इकबाल भाई को लाए हैं बोर्ड पे और निशान लखानी काफ़ी फेमस शेयर है ये सब टेलीविजन के, तो कितना आसान है कितना मुश्किल हुआ कन्विंस करना या राजी हो गए थे आपके बात को लेकर? ये बात तो प्रोड्यूसर साहब बताएंगे। सर आपसे पूछ रहा हूँ सर जी, इकबाल भाई और निशान भाई के बारे में जानना चाहूँगा सर। बस भाई को अब देखा ही ये मशहूर हस्तियाँ हैं तो हमें लगा कि इस रोल में भाई फिट रहेंगे, तो हमने अपनी पूरी टीम से रिक्वेस्ट की कि भाई से कैसे भी टाइम लेके इसमें काम करें, तो भाई को स्टोरी अच्छी लगी और जगह अच्छी लगी तो इन्होंने फिर तैयार हो गए करने के लिए। ये भी अच्छा होगा कि जो टाइटल है उससे लग रहा है कि कोई बहुत राजा महाराजा का स्टोरी है, क्या बेसिकली स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा सा अगर आप? बेसिकली स्टोरी तो अभी शेयर नहीं कर सकते, वो शादाब भाई ने हमें बताई है सारी चीज़ें, लेकिन ये एक रियल स्टोरी है जो आप लोगों को पूरी ऑडियंस को पसंद आएगी बहुत अच्छी तरह। राजा महाराजा नहीं, एक बेसिकली जो गांव से जुड़े लोग होते हैं मीडियम परिवार वाले उस से जुड़ी हुई है। ये भी जानना चाहूँगा कि शूटिंग शेड्यूल वगैरह कब आप प्लानिंग कर रहे हैं और फाइनली प्लेटफॉर्म कौन सा आप ढूंढ रहे हैं जिस पर आप रिलीज़ करना चाहेंगे सीरीज़ को? देखो 1 मार्च से हमारा शूटिंग स्टार्ट है और इसमें 40 से 50 दिन लग जाएंगे इस काम में, वो तो टीम को सारा मेनू पता है और हम सोच रहे हैं कि हमारा जो है एक अच्छे से अच्छे प्लेटफार्म पे जाके जो बड़े अच्छी हिट जो सीरीज हुई है उनमें जाके हमारा नाम हो। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ाव हो गया, आपको क्या प्लानिंग है निर्माता को लेकर? वेब सीरीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे किस तरह से देख रहे हैं अपने भविष्य को निर्माता के तौर पर, क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट? देखो ये हम अच्छा कर दें फिर उसके बाद हम डिस्क्लोज करें तो बेटर है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, क्योंकि वही है कि पहले 1 step at a time, तो पहला स्टेप अगर मान लीजिए सक्सेसफुल होता है तो रास्ते खुल जाते हैं, तो बहुत सही है। फिर भी निर्माता के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जितनी सारी वेब सीरीज, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो अपने इसको अलग साबित करने के क्या खास करने वाले हैं आप? बिल्कुल खास, जब लोग इसे देखेंगे तो वो बिल्कुल पूरी टीम की, डायरेक्टर साहब की, राइटर की बिल्कुल तारीफ करेंगे, ये हमको हम आपको अश्योर दिलाते हैं बिल्कुल पसंद आएगी लोगों को, इतनी मेहनत इतना सारा कुछ हो रहा है तो सब कुछ लोगों को पसंद आएगा। सर आपसे कहना चाहूँगा कि आप पहले भी हिस्सा बन चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे वेब सीरीज जो कॉन्सेप्ट है उसमें कैरेक्टर को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? मतलब ये वेब सीरीज जो है मेरे को इसलिए अपील की क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, प्रमाइज बहुत बेहतरीन है और रियलिस्टिक है, तो डेफिनेटली मतलब यही मतलब बहुत ही स्पेशल बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे लोग जो बना रहे हैं उनकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, प्रमाइस अच्छी नहीं है, बट ये थोड़ा सा जैसे आपने पूछा कि आप अलग कैसे बोल सकते हैं कि मतलब ये थोड़ा डिफरेंट कैसे है, तो इसका प्रमाइस जो है ना बहुत अमेजिंग है
और एक पर्टिकुलर जगह की कहानी है, तो और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, जो एक स्क्रिप्ट की क्वालिटीज़ होती हैं वो सब इस स्क्रिप्ट में हैं। अगर आप टॉप 10 पॉइंट्स देखें, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और बहुत ही अच्छी वेल रिटन, मतलब बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो इसलिए मतलब ये चीज़ें एक्टर्स को अपील करती हैं और एक्टर्स करना चाहते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच। साहित्य और जो किरदार निभा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ही डिफरेंट वेब सीरीज है ये। ये 1990 से 2000 के बीच की कहानी है और दो राइवल फैमिलीज हैं, जो एक मतलब एक उत्तमगढ़ नाम की जगह है, वहाँ पर उनका पूरा मजमा है। तो उस तरह की उन दोनों की राइवलरी में जो होता है, जो कहानियाँ हमारी चलती हैं उसमें कौन से कैरेक्टर के साथ क्या होता है, दैट्स द होल स्टोरी। ऐसा जानना चाहूँगा कि प्रॉपर टीवी शो के पार्ट रहे हैं, इतना बड़ा नाम है टेलीविजन में, वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको कितना ज़्यादा लुभा रहा है या क्या लग रहा है, कितना फ्यूचर है इसका? अच्छा लगता है मुझे लगता है वेब सीरीज इज द नेक्स्ट बिग थिंग। आजकल जो कहानियाँ टीवी पे या फिल्मों में नहीं बता पाते हैं लोग, वो वेब सीरीज में दिखा पाते हैं। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है जो टीवी और फिल्म की दुनिया के बीच में जो जगह है, जहाँ जो नो मैन्स लैंड हुआ करती थी, उसको ये भर रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इस तरह से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बाहर आ पाएंगी जो दर्शक वैसे शायद नहीं देख पाते टीवी या फिल्म के माध्यम से। तो इस शो के निर्माता ने जब आपको कॉन्सेप्ट आपके पास गया, तो कितना ज़्यादा आपको अपीलिंग लगा इनका तरीका और इनका प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा आपको लुभाया? बहुत अच्छा लगा, तभी तो यहाँ बैठा हूँ मैं, आप लोगों के सामने बैठा हूँ, ये सीरीज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। कहानी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ अजय नाम का, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया है। ये एक बहुत ही रियल कैरेक्टर है, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं कहेंगे इसको, ये बहुत रियल कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। आपके साथ और भी आर्टिस्ट हैं, इकबाल भाई हैं, और भी जाने माने आर्टिस्ट हैं, उसके लिए कहिए कितना ज़्यादा एक इक्वेशन अच्छा होगा जब शूट करेंगे। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी वर्किंग विद सच ग्रेट आर्टिस्ट। इकबाल भाई इज अ डियर फ्रेंड और आई लुक अप टू हिम एज अ बिग ब्रदर। एंड बाकी जितने भी आर्टिस्ट आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे कास्ट में हमारी, दे आर ऑल proven artist, तो मुझे लगता है it's a big honor for me to be part of this web series. सर आपसे जानना चाहूँगा, निशांत सर का इतना नाम है टीवी इंडस्ट्री में, आपसे आपके प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, आपके लिए कितनी गर्व की बात है या कितनी खुशी मिल रही है आपको? देखो मेरे लिए तो इतनी गर्व की बात है कि मैं भाई के साथ बैठा हूँ और इन्होंने हाँ किया हमारे काम। नहीं नहीं, जो सच है वो बता सकते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हम तो नए हैं, हमें तो कुछ नहीं था। जब भाई मिले और लोग मिले तो हमें बहुत उत्साह हुआ और हम जो इतना करना चाहते थे तो हमने और ऊपर सोचा फिर जब इनका साथ मिला तो। लेकिन ये भी उम्मीद करेंगे जो भी कैरेक्टर दे रहे हैं इनको, उसको कितना ज़्यादा जस्टिस दे पाएंगे निर्माता के तौर पर, ये तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भाई तो बेस्ट है बिल्कुल उसके। प्रोजेक्ट के बारे में क्या अपील किया सबसे पहले? तो प्रोजेक्ट ऐसा लगा कि मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा वेब सीरीज है, तो क्या अपील किया आपको जिससे जुड़े और जो किरदार निभाए उसके अंदर बताइए। एक तो प्राइमरी रीज़न ये है कि डायरेक्टर भी दोस्त है, प्राइमरी रीज़न ये है कि डायरेक्टर भी दोस्त है और प्रोड्यूसर भी दोस्त है, ये प्राइमरी रीज़न है। और उसके बाद सोनी पे सुहागा ये है कि जो अपना दोस्त है शादाब डायरेक्टर, वो माइंड ब्लोइंग डायरेक्टर है, उसकी उसने जितनी भी फिल्में अभी तक बनाई हैं सारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियली सिलेक्ट हुई हैं। और मैं अगर फिल्म फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं उन फिल्म फेस्टिवल्स की बात कर रहा हूँ जो बड़े लेवल के फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लेवल के भी होते हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो काफ़ी सालों से वहाँ पे हैं। और जो स्क्रिप्ट है वो बड़ी माइंड ब्लोइंग है, वो पन इंटेंडेड वेब जिसको कहते हैं, एक्चुअली वेब वेब स्क्रिप्ट है, बड़ी माइंड ब्लोइंग है। इसमें फॉर एग्जांपल अगर 50 दिन का काम है पूरी शूट का, तो जिसका 50 दिन का काम है उसकी भी इम्पोर्टेंस है, और जिसका एक दिन का काम है उस कैरेक्टर में भी इम्पोर्टेंस है। जो अब आप जब देखेंगे तो जो सिर्फ 5 मिनट के लिए जो स्क्रीन पे आएगा आप, वो आपके दिमाग में रह जाएगा, वो जाएगा नहीं वहाँ से, ऐसा इस तरीके से लिखी गई है स्क्रिप्ट। एक बार सर आपका बहुत लंबा कैरियर और सक्सेसफुल कैरियर है, तो जब आपको वेब सीरीज के लिए आप पहली बार नहीं करें, पहले भी कर चुके हैं जी, तो जब लीडिंग आर्टिस्ट के तौर पर आपका बड़ा नाम है, तो आपको अगर कोई ऑफर देता है तो क्या आपका प्रायोरिटी रहता है? प्लेटफॉर्म प्रायोरिटी रहता है, रोल प्रायोरिटी रहता है, या बहुत के लिए मनी प्रायोरिटी रहता है, आपके लिए प्रायोरिटी है क्या? सर मेरे लिए प्रायोरिटी रहती है स्क्रिप्ट और मेरा रोल, तो मैं ये दो चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि जो टोटैलिटी में सब्जेक्ट क्या है और स्क्रिप्ट क्या है, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, डायरेक्टर अच्छा है कि वो अच्छा कर पाएगा कि नहीं। दूसरा होता है प्रोड्यूसर, क्योंकि आप ने चाहे फॉर एग्जांपल एक सीन लिखा हो जिसमें
50 घोड़े चाहिए, और अगर प्रोड्यूसर है जिसमें घोड़े दे पाएगा दो, तो वो फिर जो आपने लिखा है वो उस पर आ नहीं पाएगा। तो ये जो चार चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जहाँ बात रही OTT की, तो अगर आपके पास ऑलरेडी OTT है तो बढ़िया है, और अगर आपके पास OTT नहीं है तो मुझे तो वैसा सिनेरियो बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहती है, एक ही क्रिएटिव माइंड होता है, और जब तक आपका फाइनल प्रिंट आउट नहीं होता है, फाइनल कॉपी आउट नहीं होती है, वो एक ही का दिमाग चलता है शुरू से लेकर एंड तक, और मुझे लगता है कि वो बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में पहली बार आया हूँ जहाँ पे मैंने जब स्क्रिप्ट तो मुझे पहले पता थी बड़ी माइंड ब्लोइंग है, लेकिन मुझे पता चला कि OTT नहीं है, तो मुझे कहीं ठीक लगा कि ठीक है कि जो माइंड ब्लोइंग बना लो अपने हिसाब से, तो ऐसी चीज़ बनेगी तो हम श्योर कोई भी ले लेगा। अनिश भाई आप बताइए, क्या कहते हैं स्पिरिट को लेकर, कैसे जुड़ाव है आपका, और इकबाल सर हैं प्लस निशांत हैं सर, मैं इसमें प्रोड्यूसर भी हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो इकबाल भाई हमारे साथ में जुड़े, इकबाल भाई को बहुत मुश्किल से हमने कन्विंस किया है कि इकबाल भाई आपको करना है, तो इकबाल भाई दोस्त हैं, भाई हैं अपने, तो इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो हम लोग बना रहे हैं बहुत हटके है, और हमारे एक पार्टनर और दोस्त और भाई बोलें सईद भाई यहाँ पर नहीं है, कुछ मजबूरी की वजह से वो आ नहीं पाए, उनका आना बहुत ज़रूरी था लेकिन आ नहीं पाए, एनीवेज बाद में उनका कवरेज हम लोग लेंगे। सो अब बस हम लोग बिस्मिल्लाह करने वाले हैं एक तरीके से, और इंशाल्लाह ये चीज़ फ्लोर पे जाएगी, और बहुत हटके स्टोरी है और डिफरेंट है कि आप कुछ नया देखने को मिलेगा जो शादाब भाई लेके आ रहे हैं। तो देखने से ऐसा भी लग रहा है कि किसी बड़ी फिल्म प्रोजेक्ट से कम नहीं, तो उसके बताइए क्या कहना चाहेंगे कि लग रहा है कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट रहेगा आपका ये वेब सीरीज जो है। एग्जैक्टली, आर्टिस्ट तो आप देख ही सकते हैं, सारे वेल नोन एक्टर्स हैं, किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। सो जितनी हद तक हो सकता है हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो हमने सोचा है वो चीज़ हम लोग उतार के लेकर आए, बाकी इतने बड़े बड़े सारे हमारे पास कलाकार हैं। मुझे एक चीज़ वेब जो 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 वेब शोज़ जो होते हैं, वेब शोज़ के आने से एक चीज़ बड़ी माइंड ब्लोइंग हो गई है कि आपको अगर अपना काम आता है करना तो आपके लिए काम है। Exactly. चाहे आप नॉन एक्टर हो, चाहे आप नहीं हो नॉन एक्टर, चाहे आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, गंजे हो, बाल हैं, लंबे बाल, कुछ एज लॉन्ग एज आप एक्टर हो तो आपके लिए काम है। आपको एक्टिंग नहीं आती तो आपके लिए काम नहीं है, आप कहीं और जगह स्टार बन सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो वेब पे स्टार नहीं बन सकते। तो ये एक्टर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो मैं इस चीज़ पे लेकर मैं बहुत खुश हूँ। सर लास्टली सिर्फ आपसे ये सवाल है कि हाल ही में पंकज त्रिपाठी ने स्टेटमेंट दिया, जो कि OTT पे बड़ा नाम है, फिल्मों में भी बड़ा नाम है, कि OTT का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आपको गर्दन झुका के देखना पड़ता है कंटेंट को, और फिल्म जो है आप थिएटर में गर्दन उठा के देखते हैं, मतलब वो अभी भी बोलते हैं कि फिल्म से बड़ा मीडियम है, फिल्म से अल्टीमेट एक ड्रीम होता है आर्टिस्ट का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे OTT प्लेटफॉर्म को अगर कंपेयर? मैं बताता हूँ आपको, मैं इस चीज़ की दो आंसर हैं, एक ये कि जो सिनेमा जो है वो जो मीडियम है इन टर्म्स ऑफ विजुअली, वैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मज़ा आपको सिनेमा में चीज़ देख के आती है वो तो डेफिनेटली कहीं नहीं आ सकती, वो देर इज नो बिग स्क्रीन पे जो आता है उसमें उसमें तो कोई दो रातें हैं, दो बातें हैं ही। दूसरा ये हो गया कि पंकज भाई ने बोला कि अभी ही इज बीन वेरी लकी कि उनको काम वैसा मिला है, उनको आप शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए, उनको हमेशा अच्छा काम मिला है, और अब जब वो जिस ओहदे पे वो इस वक्त हैं, तो अगर वो चूज़ भी करेंगे तो बढ़िया ही करेंगे, तो ही इज़ बीन वेरी वेरी लकी दैट वे, उन्होंने अगर छोटे से छोटा काम भी किया है वो भी बढ़िया किया है, तो और उनको अगर कोई सोचता भी है कि उनको लिया जाए तो वैसी फिल्म लिया जाता है जो सेंसिबल होती है, तो और अगर किसी सेंसिबल फिल्म में नहीं भी लेते उनको तो उनको वैसा रोल मिलता है जो सेंसिबल होता है, तो मतलब घी में हर तरफ से। सर लास्टली अगर आप कंफर्टेबल ना, इतना ज्यादा नेगेटिविटी भी हुआ शुरुआत से लेकर अभी तक OTT और वेब सीरीज को लेकर, तो क्या समझते हैं आगे का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है कि कंटेंट का क्वालिटी कितना इंप्रूव होने वाला है? मेरे ख्याल से वो सब खत्म हो गया अभी, वो जितना भी गाली गलोच और सेक्स जितना था वो पहले था नहीं, इसलिए लोगों को वो देखने में शायद कुछ अजीब लगता था, इसलिए वो काफी देख लेते थे, अब लोगों को धीरे धीरे करके पता चल गया भाई ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फैमिलीज भी OTT पे आ गई हैं, तो अच्छा कंटेंट बनाना यही प्रेफरेंस है, होनी चाहिए मेरे ख्याल से, कि हम लोग जो बना रहे हैं इसमें बिल्कुल भी वो गंदगी नहीं है जो
लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ. जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ फैमिली ऑडियंस के लिए कोई चीज बनानी है. ये आप किसी भी चीज के लिए बना सकते हो. पॉइंट मुद्दा ये है कि कंटेंट अच्छा होना. जो एक्सेसिव गाली गलौच और सेक्स पहले पहले होता था वो अब धीरे धीरे करके लोगों को समझ आ गया कि वो कोई मतलब नहीं है. पहले पहले बिरयानी खा रहे थे उसमें बहुत सारी इलायची डल रही थी और स्मेल बड़ी अच्छी लग रही थी, खा रहे थे लोग. अब बिरयानी, अब इलायची नहीं लग रही अच्छी है, वो ना निकाल रहे बाहर. और अब बनाने वाले भी इलायची कम डाल रहे हैं. एग्जैक्टली. शादाब भाई, मुझे जानना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे एसोसिएशन है और कितना उत्साहित है इसको लेकर, और काफी मेगा प्रोजेक्ट लग रहा है, वो सबसे बड़ी बात है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली जेन्युइनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस प्रोजेक्ट को लेकर. और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में बनाई हैं दे आर लाइक ह्यूमन ड्रामास, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर था. तो ये एक प्रोजेक्ट था जो काफ़ी टाइम से फिलहाल हो रहा है. सर एक सेकंड. मेगा प्रोजेक्ट है, आपका एसोसिएशन क्या है और कितने उत्साहित हैं इसको प्रोजेक्ट को लेकर? सर बहुत एक्साइटिंग है मेरा, मतलब बच्चे की तरह है प्रोजेक्ट. मैं काफ़ी साल से इस पर काम कर रहा था. तो अभी तक जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं वो ह्यूमन ड्रामाज हैं, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे. तो ऑफ कोर्स उनके बजट्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, बट सबका क्रिटिकली और ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है जो भी चीज़ें थी, क्योंकि ह्यूमन ड्रामा है. मतलब माँ बाप का बच्चों के साथ में रिश्ता, मतलब हस्बैंड वाइफ का, इस तरह की चीज़ें मैं बनाना, मतलब उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है. तो ये प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी टाइम से मेरे पास में था और मैं ज़्यादा सुनाता नहीं था किसी को ये प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि 10 ईयर के स्पैन की एक स्क्रिप्ट है और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, लाइक 75 कैरेक्टर्स हैं टोटल उसके अंदर, बहुत लोकेशन से. ये एग्जीक्यूशन पे थोड़ा सा मैं, मतलब प्रोड्यूसर को ऐसी बातों में, अनस इज़ अ फ्रेंड, तो मैंने इसको किसी और सब्जेक्ट को सुनाया था कि तू इसके एक्ट कर लो इसमें, तो वो वर्कआउट नहीं हुआ. लेकिन उसने बोला तो शादाब भाई तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट है? तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक चीज़ है, ये आइडिया है. तो ही गॉट सो एक्साइटेड. फिर ये सईद भाई, इन लोगों ने मिलके मुझे बोला कि नहीं, यू डोंट वरी अबाउट द लाइक जो प्रोडक्शन पार्ट है उसको मत करो, वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट. तो वहाँ से ये पूरी चीज़ें चालू हुई. फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ थी कि आई वांटेड समवन लाइक यू नो जिसको प्रोडक्शन में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इसमें 78 लोकेशन है, डिफरेंट मतलब काफ़ी आर्ट का काम है ये है. तो उसमें जब साकिब भाई ऑन बोर्ड आए, साकिब सैयद इज़ लाइक अब टीवी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बड़े मेगा शोज इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, सब कुछ किया है. ये तो कमर्शियल हेड भी थे हमारे स्टार प्लस के, तो मेरे भाई हैं. हाँ, तो कमर्शियल हेड, व्हेन ही वाज ऑन बोर्ड, तो मतलब मैं एकदम रिलैक्स हो गया. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, मतलब मैंने बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई वेरी श्योर कि नाउ ही विल बी एबल टू पुल इट ऑफ. क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन अपनी जगह है, स्क्रिप्ट अपनी जगह है, मोर देन दैट कि कोई एग्जीक्यूशन जो है ना, दैट्स द टफेस्ट पार्ट. मेजर मेहनत इनकी है जो बहुत बड़ी मेहनत है, ये जो हिसाब से कर रहे हैं. बताइए कैसे आप तैयार कर रहे हैं, डिस्क्लोज कीजिए क्या मतलब आप रोल प्ले कर रहे हैं और कितना ज्यादा. तो बेसिकली यही हुआ था कि जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया गया मेरे को, अनस बहुत पहले से बोला कि भाई कुछ करना है साथ में, कुछ करना है. तो मैं हमेशा मतलब बिजी रहता था इतना, तो इस बार इसने बोला कि एक बार तुम कॉन्सेप्ट सुन लो. तो मैंने कहा ठीक है सुन लेते हैं. तो शादाब भाई ने ऑलमोस्ट 1 घंटा अपने नरेशन रखा था, मैरिट में बैठे थे हम लोग, तो वो बस मैंने नरेशन सुना. मैंने कहा चलो ठीक है, ये शायद प्रोजेक्ट है जहाँ पे मुझे करना चाहिए और हम लोग साथ में मिलकर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं. बहुत टफ चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट, मतलब ऑनेस्टली स्टार कास्ट इन द सेंस नंबर ऑफ कास्ट हमारी ऑलमोस्ट 50-60 लोग हैं इसके अंदर, चाहे वो, और हर कैरेक्टर बखूबी इतना अच्छा से लिखा गया है, चाहे उसकी 2 लाइन हो चाहे उसके 4 लाइन हो, बट वो कैरेक्टर आपको इसमें नज़र आएगा. और कास्टिंग में भी हम लोगों ने बहुत मतलब सब अपने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सब हमें कर रहे हैं. और एग्जीक्यूशन में लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम लोग इसको पूरा आउटडोर प्लान कर रहे हैं और बेस्ट कैमरा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. और साउथ के हमने बहुत बड़ा, हमारे DOP हैं मनोहर जोशी, उनको हम लेके आए, ऑनबोर्ड लिया उनको, जिन्होंने ऑलमोस्ट 35 फिल्म्स की हुई हैं एंड आईफा विनर अवार्ड, काफ़ी सारे एड्स किए हुए हैं. तो जब हमारे पास टेक्निकल टीम अच्छी होगी ना, डायरेक्शन टीम अच्छी होगी और को टीम हमारी अच्छी होगी और आर्टिस्ट अच्छे होंगे, आर्ट अच्छा होगा, कॉस्ट्यूम अच्छी होगी, तो तभी प्रोडक्ट बनता है. सिर्फ मैं बोलूँगा कि सिर्फ मैं आर्टिस्ट ले लूँगा, मेरे पास टेक्निकल टीम नहीं है, तो फिर मैं ऑब्वियसली हम लोग उसका एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. तो अभी OTT हमारे पास फाइनल नहीं है, लेकिन आई एम श्योर जिस टाइप का ये हम लोग सोच रहे हैं और उसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वी आर डैम श्योर के इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आएगा ये इंशाल्लाह. अभी मैं कमिट कुछ नहीं करूँगा कि हम लोग किस पे लेके आएंगे, लेकिन जिस पे भी आएगा, ये जैसा नाम है इसका ऊधम घर, तो ये ऊधम तो मचाएगा. सर जैसा कि पीछे आपके प्लान लगा हुआ है, फोटो लगे हुए हैं, लोकेशंस के लगे हैं,
अखाड़े की कहानी है कहीं ना कहीं अखाड़े को लेकर, जैसे अभी आमिर खान कहते हैं इसे नहीं नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं है, एक छोटा सा कुछ नहीं, एक छोटा सा हिस्सा है उस चीज का, वो बिल्कुल नहीं है ऐसा। बस ये था कि ये कोई गांव है, 10 साल में इतने इंसिडेंट्स हुए, उन सब इंसिडेंट्स को एक साथ ने पिरोया है उनको, तो हर करेक्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं है कि आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग तो मतलब ये है जो थ्रू आउट रहने वाले, लेकिन जो मतलब दो दो सीन के लिए भी आ रहे हैं, तो साकिब भाई हेल्प मी की वो शराब भाई ने रखी है ना, अब सब आजकल क्या चल रहा है, मर्डर्स गोली वाली सब, इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ इतना सटल वे में है कि आपको लगेगा नहीं कि ये मतलब फोर्स कुछ भी नहीं, फोर्स कुछ भी नहीं, मतलब ये आपको लगेगा कि कहानी है, कहानी है, चीज जबरदस्ती की डायरेक्शन का एक मीनिंगफुल तरीके से लिखा गया है वो चीज, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर हिज स्क्रिप्ट। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो वेब सीरीज होता है, मतलब फुल फ्लेज वेब सीरीज है, उसका सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, फिल्म्स का है कि आप थिएटर में भी ओटीटी पे सेल कर रहे हैं, तो वो बताइए वो कितना ज्यादा एक नहीं, हम लोग मोस्टली क्या प्लान कर रहे हैं कि एक बार बन जाए तो OTT पे ही हम लोग पिच करना चाहेंगे, क्योंकि आज का ट्रेंड जो है सिर्फ OTT है, जिसने एक्चुअल में देखा जाए हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, इसको पलट के रख दिया है, क्योंकि हर के हाथ में मोबाइल है और हर के हाथ में सब्सक्रिप्शन है, तो उनको सब कुछ देखने को मिलता है 700-900 रुपीज में, बहुत एंटरटेनमेंट मिल रहा है। जैसे कोविड की वजह से आप देखें, आज एक तरह की आंधी चली है, बहुत ज़बरदस्त आंधी चली, जिनको जिनके पास काम नहीं था, जिनके पास कुछ नहीं था, वो भी बिजी हैं। सो ये प्रेफरेंस हमारी OTT रहेगी। सर आपने जैसे रियल लोकेशंस की बात करें, कितना इसमें राजस्थान है तो सीधे किले आपने यूज करेंगे, तो कितनी रियल लोकेशन रहेंगे इसमें? सारी रियल लोकेशन है, कोई भी हम लोग कहीं भी कुछ शूट नहीं कर रहे हैं, पूरा शेड्यूल वहीं शूट कर रहे हैं, और जितनी भी रियल लोकेशंस हैं वो आज तक शूट नहीं हुई। सर आपसे चाहूँगा कि एक वेब शो को डायरेक्ट करना और एक फिल्म को डायरेक्ट करना, टाइम फ्रेम या बजटिंग या और जो एस्पेक्ट्स होते हैं, कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको नजर आता है? मोरल सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं है, ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, स्टोरी को आप कैसे बता रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको क्या बोला ना कि इसमें सब चीज़ों में ठीक है, एक डायरेक्टर होता है, उसने एक फिल्म बनाई होती है, दो बनाई होती है, उसके बाद में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है, कि वो जो पूरी बाकी की टीम है जिसपे आई थिंक मतलब जो द पीपल वो आर डूइंग वेल उनकी नज़र है उस चीज़ पर, लेकिन जो लोग नए आते हैं इस फील्ड में उनकी उस चीज़ पर नज़र नहीं रहती है कि एग्जैक्टली जो एग्जीक्यूशन है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम लाइक वेरी श्योर अबाउट जिस तरह का प्रिपरेशन है, तो इट विल बी लाइक अ केक वॉक, ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी नहीं, बिकॉज साकिब हैज ऑलरेडी बहुत अच्छा हमको पूरा एक सेटअप बना के दे दिया है, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है कुछ शूट करने में, इट्स जस्ट कि थोड़ी सी जो स्टोरी है वो थोड़ा मतलब अब फिल्म आपका 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, इसके लिए आपको 330 घंटे 350 घंटे शूट करना पड़ता है। टाइटल की बात करें जैसे मिर्जापुर है, उर्दमगढ़ आ गया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे जैसे स्टेट को लेके, गांव को लेकर, उसको लेकर टाइटल के बारे में क्या? एक्चुअली मैं आपको बोलूँ ना, इसमें उधमगढ़ का जो बेसिक टाइटल का जो आइडिया है कि बहुत ज़्यादा उधम है, पूरी सीरीज में उधम ही है। ये आइडिया कैसा आया, हम लोग बैठे हुए थे, मैं और सईद भाई हमारे भाई जो पार्टनर है, जो प्रोड्यूसर है साथ में, तो हम लोग बैठे हुए थे, नाम डिसाइड कर रहे थे कि क्या नाम रखा जाए क्या नाम रखा जाए, तो इन्होंने कुछ नाम दिया और लोगों ने बहुत नाम दिया, तो हम लोग उधम 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 कर रहे थे, आगे क्या लगाएं, उधमपुर उधमपुर, देन सईद भाई ने कहा कि उधमगढ़ रखो, सो हम लोगों ने कहा नाम अच्छा है, डिसाइड किया कि चलो करते हैं। फिर टाइटलिंग का प्रॉब्लम होता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, सो उसके लिए मैं बिस्मिल्लाह की, लेकिन वो हमको अप्रूव्ड हो गया। सो ये एक रात में टाइटल आया है हमारे दिमाग में, जिसको हमने उधमगढ़ किया, और ये हमारे स्क्रिप्ट के साथ पूरा जाता है। टाइटल से लोग इसके काफी कैची बन गया है कि exactly. इसमें कुछ ना कुछ गांव की कहानी, कुछ ना कुछ गढ़ की जो बात आती है। तो कितना एक्साइटमेंट है आपको इस चीज को लेकर, टाइटल को लेकर? हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, बस जल्दी से बन गया है, तो उसी हिसाब से जब प्रोमो होगा लॉन्च, तो आप लोग सब लोग साथ में ही रहेंगे, सारी मीडिया, तो आप लोगों को भी वैसे एक्साइटमेंट होगा। आप लोगों का इंटेंशन बहुत समझ और शूट करके आइए, फिर हमसे मिलिए एक बार और, आज ही सारा कुछ नहीं बता देना। करेक्ट जी, थैंक यू सो मच थैंक यू। इस बात को लेके हमारी चर्चा नहीं हुई, आते हैं मिलते हैं जाते हैं, और एक दिली प्यार भी है। भाई को हमने ही खुद प्रपोजल किया, इन्होंने हमें कोई प्रपोजल नहीं दिया, भाई ऐसे करो, हमने कहा भाई एक ऐसा है कि हमें एक वेब सीरीज बनानी है, तो आप तलाश करो कोई रियल स्टोरी है तो उस पर हम वर्क करते हैं। तो इन्होंने सादा भाई से बात की, उन्होंने एक कहानी अच्छी दी, पढ़ी, काम किया, तो हम इम्प्रेस हुए, और भाई को लेके ही
एज ए नाम से हम प्रोड्यूसर हैं, लेकिन सब कुछ करना अनस को ही है, ए बी सी डी सारी चीज़ें, क्योंकि हम तो इस फील्ड में नहीं हैं और अपना काम भी बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ से, तो बेसिकली हम तो पीछे हैं, सारी चीज़ें अनस खान ही देख रहे हैं और ये ही मालिक है, इसके सच्चाई तो ये है। मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ इसमें, लेकिन ये सीक्रेट है, बाद में खुलेगा। मैं जब प्रोड्यूसर की चेयर पे आदमी कोई बैठ जाता है तो उसके बाद अपना फोटो लगाना मुझे जन्म नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन मैं भी इस वेब सीरीज का पार्ट हूँ। सर इंट्रोडक्शन और क्या कहना चाहेंगे अपनी वेब सीरीज के बारे में? जी मेरा नाम मोहम्मद सईद खान है, मैं बेसिकली राजस्थान चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करता हूँ। हमारे फादर जो थे उनका एक अरमान था फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का, और 90s में मेरे फादर ने काफ़ी फिल्में की हैं, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए मैं इसमें उतरा हूँ, उनका सपना जो साकार करूँ। तो सईद भाई, ये जो स्टोरी है फिल्म आपकी वेब सीरीज़ की जो आपने चूज़ की है, वो आपको कितनी उससे प्रेरणा मिली, मतलब अच्छी लगी तो आप आगे बढ़े, क्योंकि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है फिल्म इंडस्ट्री से, आपने अभी तक कुछ बनाया नहीं है? एक्चुअली भाई ये स्टोरी जो है ये ट्रू बेस्ड स्टोरी है, हमारे गाँव के नज़दीक में एक गाँव है वहाँ पर ये घटना घटी हुई है, तो इसको मैं सब लोगों की नज़रों में लाना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ज़्यादा तो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, मगर इतना यकीन दिला सकता हूँ कि जब ये वेब सीरीज़ बन के आएगी तो लोगों के दिमाग फट जाएंगे। सईद भाई, आप मीडिया तक पहुंच नहीं सके तो ये एक मैसेज आपका जो आ रहा है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आप नहीं रह सके, तो एक ये मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अपनी टीम को जो बैक में काम कर रही है और सारे एक्टर्स को? वैसे मुझे इतना यकीन है जो कास्टिंग हमने की है, जो पूरी एंटायर जो टीम है हमारी यूनिट, उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो पूरी दिलो जान से काम करेंगे और मैं साथ रह करके उनको मोटिवेट करूँगा। इतना भरोसा है कि जो हमारे भाई लोगों ने, अनस भाई ने, शादाब भाई ने जो टीम बनाई है वो काफ़ी अच्छी टीम है। और सईद भाई, इसमें आपकी स्टार कास्ट जो है वो बहुत बड़ी है, मतलब सारे मंझे हुए कलाकार हैं, इकबाल खान, निशांत, जागीर खान, ईशा, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, तो आपको लगता है कि ये वेब सीरीज़ में जान डालेंगे आपके? 100% इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और सारी लोकेशंस रियल हैं, इससे पहले इस लोकेशन पर किसी ने शूट किया है कि ये? नहीं, ये लोकेशन फर्स्ट टाइम में यूज़ की जा रही है, और 90s के बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, तो इसमें हमने बहुत चुन चुन के लोकेशंस लिए हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों को देख कर। थैंक यू सईद भाई हमसे बात करने के लिए। वेलकम।